जय माई की। नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्रा, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री। उपस्थित हूं साल 2022 के राशिफल के साथ, मीन्स ये है राशिफल 2022 इन हिंदी। इसमें हम जानने जा रहे हैं कि मेष राशि वाले लोगों के लिए साल 2022 कैसा रहेगा, उस पर भी विशेषकर मेष राशि का राशि के अनुसार लव 2022 की चर्चा हम करने जा रहे हैं। अर्थात लव लाइफ यानी कि प्रेम प्रसंग, जिसे प्यार मोहब्बत संबंधी कोई भी मुद्दा आप कह सकते हैं, इनकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। ध्यान रहे कि यह वार्षिक राशि भविष्य 2022 है और इसमें हम वार्षिक राशि फल यानी कि ईयरली होरोस्कोप बताएंगे। अंग्रेजी में बोले तो इज 2022 गुड फॉर एरीज लव, अथवा कह सकते हैं कि इज 2022 गोइंग टू बी अ गुड ईयर फॉर एरीज लव। और इसकी पड़ताल के लिए हम आगे बढ़ें, इससे पहले आपको बता दें कि यह राशिफल लग्न पर आधारित राशिफल है। यदि आप लग्न के माध्यम से इसे देखेंगे तो परिणाम ज़्यादा सटीक रहेंगे। बाकी लग्न का पता अगर ना हो तो आपकी पहली कोशिश होनी चाहिए कि आप लग्न को ढूंढें। इंटरनेट इत्यादि पर दुनिया भर की बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जो आपको आपका लग्न बता देंगे, नहीं तो आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जा सकते हैं। उस पैनल पर भी हैं हम, वार्ता के माध्यम से वहाँ से आप मुझसे सलाह भी ले सकते हैं। तो आप वहाँ से अपना लग्न ढूंढें, ना मिले तो आप नाम राशि या फिर जो भी राशि आपको पता है उसके अनुसार भी आप अपना राशिफल यहाँ देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि लव लाइफ के लिए 2022 में इस राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। लेकिन ये राशिफल हम गोचरों के आधार पर बताते हैं, तो पहले जान लेते हैं कि प्रमुख ग्रहों के गोचर कैसे रहेंगे। मेष राशि 2022 प्रेम प्रसंग एंड लव लाइफ संबंधी परिणाम का जो भविष्य फल है, भविष्य कथन है, वो हम गोचरों के आधार पर ही करते हैं, तो उनको जान लेते हैं। साल 2022 में मेष राशि वालों का लव लाइफ वाला पक्ष कैसा रहेगा, यानी कि एरीज लव होरोस्कोप 2022 या एरीज लव लाइफ होरोस्कोप 2022 के बारे में जानने के लिए हम इनके पाँचवें भाव के स्वामी सूर्य तथा प्रेम संबंध के कारक शुक्र के गोचर का विशेष अवलोकन करेंगे। साथ ही अन्य ग्रहों जैसे राहु केतु शनि के गोचर का तो अवलोकन किया ही जाएगा। पांचवें भाव पर बृहस्पति के गोचर की बात की जाए तो 13 अप्रैल 2022 तक बृहस्पति का गोचर आपके पांचवें भाव को पूरी तरह से अनुकूलता देता रहेगा। इसके बाद बृहस्पति ग्रह आपके 12वें भाव में चला जाएगा और आगे की पूरी जिम्मेदारी सूर्य और शुक्र ग्रहों पर छोड़ जाएगा। आइए अब जान लेते हैं कि सूर्य का गोचर कब कब इनके लिए कम अनुकूल रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर साल के ज़्यादातर समय में प्रेम संबंधों के लिए सूर्य का गोचर या तो अनुकूलता देगा या कोई विशेष बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, यानी कि एवरेज रहेगा। इसलिए हम उन टाइम ड्यूरेशंस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं जो कि अच्छे या एवरेज हैं, बल्कि केवल उन टाइम ड्यूरेशन पर चर्चा कर रहे हैं जब सूर्य का गोचर खराब परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर 15 मार्च 2022 तक सूर्य सामान्य तौर पर प्रेम संबंधों में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा, लेकिन 15 मार्च 2022 से लेकर 14 अप्रैल 2022 के बीच सूर्य का गोचर मीन राशि में होगा। अतः वह मेष राशि वाले लोगों की लव लाइफ में कोई विशेष सपोर्ट नहीं कर पाएगा। इसके बाद कन्या राशि से लेकर वृश्चिक राशि में गोचर करने तक भी सूर्य की स्थिति ऐसी नहीं होगी कि वह सीधे या प्रत्यक्ष रूप से आपकी लव लाइफ में कोई मदद कर सके। यह समय अवधि 17 सितंबर 2022 से लेकर के 16 दिसंबर 2022 के बीच रहेगी। 17 सितंबर 2022 से 17 अक्टूबर 2022 तक सूर्य कन्या राशि में होंगे, जो आपके छठे भाव में है। अतः नौकरी के चलते या तनाव के चलते या आपस में आर्गुमेंट्स के चलते शायद प्रेम संबंध थोड़े से कमजोर रहे। वहीं 17 अक्टूबर 2022 से 16 नवंबर 2022 के बीच सूर्य तुला राशि में रहेंगे। इस बीच में प्रेम में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है, लेकिन यहां से एक अनुकूल परिणाम यह मिल सकता है कि यदि आप प्रेम संबंध को विवाह संबंध में बदलना चाह रहे हैं, यानी लव मैरिज करना चाह रहे हैं, तो पंचम भाव के स्वामी का सप्तम भाव में गोचर आपको अनुकूल परिणाम दे सकता है। अतः इस समय को हम किसी के लिए अच्छा तो किसी के लिए कमजोर कह सकते हैं। अच्छा उनके लिए जो लव मैरिज करना चाह रहे हैं, बाकी औरों के लिए कमजोर। वहीं 16 नवंबर 2022 से 16 दिसंबर 2022 के बीच सूर्य वृश्चिक राशि में, यानी आपके 8वें भाव में रहेंगे। यह समय थोड़ा सा कमजोर कहा जाएगा। यदि हम प्रेम संबंध के कारक ग्रह शुक्र के गोचर की बात करें तो शुक्र का गोचर साल की शुरुआत से लेकर के 24 सितंबर 2022 तक कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से
प्रेम संबंधों में, लव लाइफ में, आपके जो भी लव अफेयर, लव मैटर जो भी कहें, उन सब में अनुकूलता देने या दिलाने की कोशिश कर सकता है। सिर्फ 24 सितंबर 2022 से 18 अक्टूबर 2022 के बीच जब शुक्र नीच का रहेगा, ऐसे में प्रेम संबंधों में मर्यादा रखने की ज़रूरत रहेगी, जिससे किसी भी तरह की बदनामी न हो, साथ ही आपस के विवाद भी ना पनपने पाएं, यानी आपसी विवादों से बचने की सलाह भी हम आपको देना चाहेंगे, जिससे कि संबंध अनवरत चलते रहें। साथ ही 11 नवंबर 2022 से 5 दिसंबर 2022 के बीच जब शुक्र वृश्चिक राशि में होंगे, उस समय भी अपनी मान मर्यादा का ख्याल रखना जरूरी रहेगा, जिससे किसी भी तरीके का आरोप प्रत्यारोप या लांछन आप पर ना लग सके। बाकी का समय अनुकूलता देता हुआ प्रतीत हो रहा है। सारांश यह कि साल 2022 मेष राशि वाले लोगों की लव लाइफ के लिए सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम दे सकता है। किसी बड़ी समस्या के योग नहीं है, फिर भी यदि प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने की इच्छा हो, तो आपको 13 अप्रैल 2022 से पहले पहले अपनी बातें अपने अभिभावकों तक, गार्जियंस तक पहुंचा देनी चाहिए। और साथ में इन बातों का भी ख्याल रखना है कि 12 अप्रैल 2022 के बाद आपस में कोई गलतफहमी न बढ़ने पाए, क्योंकि राहु केतु का गोचर आपके मन में संदेह के भाव दे सकता है, और संदेह प्रेम का शत्रु होता है। बस इन बातों का ख्याल रखेंगे तो साल 2022 आपकी लव लाइफ के लिए, आपके प्रेम संबंध के लिए, आपके प्यार मोहब्बत के लिए काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। ध्यान दें कि यह राशिफल सिर्फ और सिर्फ गोचर पर आधारित है, आपकी व्यक्तिगत कुंडली क्या कहती है इस बात का परीक्षण यदि आप किसी अच्छे ज्योतिषी से करवा लें, तो आप अपनी प्रेम भरी जिंदगी को और बेहतर दिशा दे पाएंगे। तो इस राशिफल के माध्यम से आप अपने अच्छे व कमजोर समय को जानकर उसके अनुसार आचरण करें, और अपने प्रेम प्रसंग यानी लव लाइफ के मामलों को या मामले को बेहतर करें। आइए अब यह जान लेते हैं कि यदि साल 2022 में मेष राशि वाले लोगों को लव लाइफ यानी प्रेम प्रसंग या प्यार मोहब्बत संबंधी भविष्य के मामले में कोई व्यवधान आता है, कोई दिक्कतें आती हैं, तो कौन से उपाय करके आप अपनी लव लाइफ को बेहतर कर पाएंगे। प्रेम संबंध या प्यार मोहब्बत यानी कि लव लाइफ में बेहतर परिणाम के लिए उपाय के रूप में सदैव सत्य बोलने का प्रयास करें, मांस मदिरा व अंडे का त्याग करें। 13 अप्रैल 2022 के बाद लगातार 12 गुरुवार मंदिर में पीले रंग का प्रसाद चढ़ाएं, पहले भी चढ़ा सकते हैं लेकिन बाद में जरूर चढ़ाएं। अगर इन उपायों से आपको लाभ नहीं होता है, बहुत संभव है कि होगा ही होगा, लेकिन अगर नहीं होता है तो ऐसा भी संभव है कि आपकी दशाएं प्रतिकूल हो सकती हैं, और अपनी विधिवत कुंडली दिखा करके आप दशाओं व अंतरदशाओं की अनुकूलता प्रतिकूलता जानकर उनका उपाय करके अपनी लव लाइफ को आप बेहतर कर सकेंगे। इसके लिए आपको चाहिए कि किसी जानकार ज्योतिषी से अपनी कुंडली चेक करवाएं। यदि आपकी इच्छा मुझसे अपनी कुंडली विश्लेषण करवाने की है, तो आप स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर पर कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और अपॉइंटमेंट बुक करके हमसे सलाह ले सकते हैं। बस ये सहज सी छोटी सी प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ पर यह बाध्यता बिल्कुल नहीं है कि आप मुझसे ही सलाह लें। दिक्कतें हैं तो कहीं से भी सलाह लें, बस जीवन में सुख होना चाहिए, जीवन में आनंद होना चाहिए, बस हम यही चाहते हैं। हाँ, एक बात जरूर गौर से सुनने की है, आपकी राशि से जुड़े हुए सभी मुख्य पहलुओं के अलग अलग वीडियोस हम बना रहे हैं, और उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। उम्मीद है इस राशिफल के माध्यम से आप अपने आने वाले साल को बेहतर ढंग से प्लान करेंगे, और अपनी लव लाइफ यानी प्रेम प्रसंग प्यार मोहब्बत वाली जिंदगी को बेहतर कर सकेंगे। माँ गौरी आप पर कृपा बनाए रखें। साल 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माई की। धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें धर्म.tv, और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के आइकन पर क्लिक करें।